रिव्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पंतनगर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में 113वें किसान मेला का आयोजन। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जेपी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में 113वें अखिल भारतीय किसान मेले का आयोजन किया है। इस मेले में पड़ोसी देश नेपाल के किसानों ने भी हिस्सा लिया है। कुलपति मनमोहन चौहान सहित विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। मेले का आयोजन 28 फरवरी तक होगा। किसान मेले में कई संस्थाओं ने किसानों के लिए अत्याधुनिक कृषि यंत्र, बीज और पौधों की प्रदर्शनी भी की है। मेले में आकर्षण का केंद्र 5 फीट से लंबी लौकी रही है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि साल 2023 को भारत सरकार ने इंटरनेशनल मिल्ट्स घोषित किया है। सरकार का विशेष फोकस मोटे अनाज और ऑर्गेनिक खेती पर है। उन्होंने कहा कि एशिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटी में से एक पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से हॉर्टिकल्चर और मोटा अनाज के क्षेत्र में अपने उत्पाद को दुगना करने में कामयाब हुई। उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड में 25 वर्ष का होगा तब हॉर्टिकल्चर और मोटा का उत्पादन उत्तराखंड में दोगुना शुरू हो जाएगा। प्राकृतिक खेती के लिए 64,000 हेक्टेयर भूमि का चयन किया जा चुका है। प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सेब के उत्पादन में उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को हिमाचल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। सरकार का संकल्प है कि सेब और कीवी का उत्पादन भी दुगना हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। बुलढाना तालुके के पीपल गाँव सराय गांव के पास हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हाजी हजरत अब्दुल रहमान उर्फ सैलानी बाबा की विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। बुलढाना जिले के सबसे बड़ी यात्रा हर साल इसी जगह पर होती है। यह यात्रा होलीदान से शुरू की होती है और यह यात्रा उत्सव लगभग 15 से 20 दिन तक चलता है। क्योंकि यह यात्रा कोरोना काल के बाद हो रही है, इसलिए इस वर्ष देश भर से तीर्थ यात्रियों की बड़ी संख्या में आने की संभावना है। इसलिए प्रशासन इस यात्रा को शांतिपूर्वक ढंग से प्रसन्न करने के लिए काम करना शुरू किया है। उन्होंने प्रशासन से अपील की समीक्षा बैठक कर यात्रा की शांतिपूर्वक संपन्न करने में सहयोग करें। आज रोजी आम्ही इकडे सैलानी दरग्याच्या इथे येऊन संदलचा जो कार्यक्रम होणार आहे पुढच्या महिन्यामध्ये होळीच्या दिवशी होणार आहे आणि संदलच्या दिवशी होणार आहे, त्याचा बंदोबस्ताचा आणि इतर सर्व व्यवस्थेचा आढावा घेतला सर्व डिपार्टमेंटच्या सर्व प्रभारी अधिकारी, माझ्या पोलीस स्टेशनचे अधिकारी, माझे इतर सहकारी, ट्रस्टचे सर्व पदाधिकारी, जवाहरलाल बंधूंचे सर्व त्यांचे अनुज ने अपनी आदर्श बॉय इमेज से फैंस को किया इम्प्रेस। अनुपमा के फैंस को एक बार फिर आदर्श अनुज की तारीफ करने का मौका मिलने वाला है। अनुज यानी कि 25 फरवरी एपिसोड में साबित कर देंगे कि वह एक नंबर पतिवत्ता टाइप्स है, फिर चाहे सामने कोई भी हो। समर और डिंपल शाह हाउस में एक गेम नाइट अरेंज करते हैं। साथ मिलकर मस्ती करने के बाद अनुपमा के बच्चे उसे वहीं ठहरने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर नानुकुर करने के बाद अनुपमा वहीं रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनुज अपनी बेटी छोटी और माया के साथ पिकनिक पर जाता है। अनुपमा उनके साथ नजर नहीं आएगी क्योंकि अनुज ने ही उसे बीमार तोशु के साथ रुकने को कहा है। आप देखेंगे कि पिकनिक के बाद रात में वॉक करते समय अचानक माया के पति की एंट्री होती है। वह झगड़ा शुरू करता है। अनुज माया का बचाव करते हुए आगे आता है।
अपने लिए अनुज का यह बर्ताव देख माया भावनाओं में बह जाती है। झगड़ा निपटने के बाद वह अनुज को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अनुज पीछे हट जाता है। साथ ही कहता है कि वह इस सब के बारे में अनुपमा से कुछ ना कहे। अनुज की यह अदा हमेशा दर्शकों के दिल जीत। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।